हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके भी स्नैपचैट में वीडियो कॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ऑडियो कॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ शिकायत है दोस्तों, तो क्या कर सकते हैं जिससे वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल का ऑप्शन आए। तो दोस्तों, आपको सबसे छोटी सी बात है जो आप नहीं करते हो, आप दोस्तों यहाँ पर प्ले स्टोर पर जाइए, प्ले स्टोर को ओपन करिए और अपडेट कर लीजिए। दोस्तों, आपका कीमती टाइम यहाँ पे बर्बाद नहीं करने वाला, जो है वही बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, प्ले स्टोर को फटाक से सर्च ओपन करिए और यहाँ पे सर्च करिए स्नैपचैट। दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा है मेरा अपडेट है, पहले आप चेक करिए कि क्या आपका अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। अगर अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, सबसे पहले आप अपडेट करिए, उसके बाद भी अगर आपका वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा है या जो भी फीचर्स आप चाहते हो यहाँ स्नैपचैट में वो आपको फीचर देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो क्या कर सकते हो दोस्तों? सबसे पहले हम आपको करके दिखाने वाले हैं कि वीडियो कॉल का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे ओपन करते, ओपन करने के बाद दोस्तों जैसे यहाँ चैट्स में गए, अब चैट्स में जाने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे आपको धीरज गुप्ता का ओपन करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो वीडियो कॉल का और ऑडियो कॉल का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। तो दोस्तों, अब किस केसेस में नहीं आता है, जैसे पहले आपने अपडेट कर लिया और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे वीडियो कॉल का ऑप्शन आ रहा है, तो फिर अब दूसरा तीसरा तरीका बताने वाला हूँ दोस्तों। यहाँ पे जैसे मैंने भूमि गुप्ता है यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे वीडियो कॉल का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, ये क्या होता है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, बैक जाते हैं और दिखाते हैं, यहाँ पे एक और है, यहाँ पे वीडियो कॉल का यहाँ पे भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, ये क्यों आ रहा है ऐसा, अब आपके माइंड में चलेगा कि अपडेट भी है और वीडियो कॉल का ऑप्शन आ रहा है, बट इस पर क्यों नहीं आ रहा है। दोस्तों, वीडियो इन तक देखें ताकि आपको पता चले वीडियो कॉल का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है या जो भी आपका प्रॉब्लम है वो क्यों नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है, ऐड फ्रेंड का ऑप्शन है। तो दोस्तों, अगर आपने किसी को ऐड किया है, जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करता आपको वीडियो कॉल का ऑप्शन नहीं आएगा। जैसे आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया, यहाँ से फ्रेंड, यहाँ से आप ऐड करने का ऑप्शन है ऐड, ये फ्रेंड रिक्वेस्ट का ऑप्शन हो जाता है। जब तक मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, जब तक सामने वाला मुझे ऐड एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब तक वीडियो कॉल का ऑप्शन नहीं आने वाला, ऑडियो कॉल का ऑप्शन नहीं आने वाला। अब जैसे दोस्तों, यहाँ पे सामने वाला मुझे ऐड तो किया है बट मैंने एक्सेप्ट नहीं किया है, तो सामने वाले को मेरा वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल का ऑप्शन नहीं आएगा, उसको नहीं आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया है। जब तक दोस्तों दोनों तरफ से मैं ऐड करता हूँ, आप एक्सेप्ट करते हो, तभी जाके वीडियो कॉल का ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि पहले तो आता था, अभी नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, सामने वाला आपको ब्लॉक कर दिया है, तो इस केसेस में आपका वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल का ऑप्शन नहीं आने वाला है। अगर उसके अलावा भी एक और है जो मैं पहले बता चुका हूँ कि आप अपडेट करिए, अपडेट करने के बाद दोस्तों आएगा ही आएगा। और दूसरा ये है कि यहाँ पे आपको बहुत क्लियर शब्द में बताने वाला हूँ कि यहाँ पे अगर आपने, जैसे यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, सामने वाला जब तक एक्सेप्ट नहीं करता तब तक वीडियो कॉल का ऑप्शन नहीं आने वाला, और जैसे यहाँ पे सामने वाला मुझे ऐड किया है और यहाँ पे मैं एक्सेप्ट नहीं किया, तो उस केसेस में नहीं आने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, मैंने इस बंदे से बात करता हूँ, मैं इसको फ्रेंड ऐड किया था, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था, इसने एक्सेप्ट किया, यहाँ पर वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल का ऑप्शन आ रहा है। अब जैसे दोस्तों, यहाँ पर मैंने ऐड तो किया है पर सामने वाला मुझे एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल का ऑप्शन नहीं आने वाला। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, और ऐसी बेसिक बेसिक नॉलेज पाने के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।